नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले करंट अफेयर जो कि दिसंबर महीने का है 2019 का, और ये पार्ट वन है और पार्ट टू भी हम अपलोड करेंगे। ये एक हमारे लिए अपलोड किया गया है स्पेशली एग्ज़ाम जो कोल इंडिया का होने वाला है अभी फेबररी में, और JSSC CGL जो झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम है, और RRB NTPC जो 2020 में होने वाला है। ये तीनों एग्ज़ाम के फोकस करके बनाया गया लेक्चर वन है। अगर आपने अभी तक इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इस तरह के करंट अफेयर्स हम आपको रेगुलर इंटरवल पर अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें करंट अफेयर होगा और ये कवर करेंगे हमारे लेटेस्ट एग्ज़ाम जो 2020 में होने वाले हैं। ये करंट अफेयर उस एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट 7th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया श्रीलंका का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुआ था? तो इसका तो देखिए, पहला तो एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है, मित्र शक्ति। इंडिया श्रीलंका का नाम है जो जॉइंट एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच ही होता है। और जो 2019 में कहाँ हुआ था, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था आपको, ये ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ये हुआ आपका पुणे महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की बात करें, लेकिन उससे पहले आपको युद्ध से मतलब, देखिए करंट अफेयर्स हर एक बार पूछे जाएंगे कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज से, तो श्रीलंका तो मित्र शक्ति है तो, और सूर्य किरण जो है, सूर्य किरण के जो है वो है आपका नेपाल के साथ। ये याद रखना है कि मिलिट्री एक्सरसाइज होता है नेपाल के साथ सूर्य किरण। उसी तरह युद्ध युद्ध अभ्यास जो है वो होता है USA के साथ। इस तरह के करंट अफेयर आपको याद रखने होंगे। और ये वाशिंगटन डीसी में हुआ इसका एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए, और वज्र प्रहार भी है आपको USA के साथ, ये एक एक्सरसाइज है। आगे देखें, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर अब्दुल महदी रिजाइंड रिसेंटली। तो कौन से कंट्री के ये थे जिन्होंने रिजाइन किया प्राइम मिनिस्टर के पद पे? तो ये थे आपके इराक के थे ये। और अभी आपके न्यूज़ में रिसेंटली ईरान है बहुत ही, क्योंकि इसने USA पर अटैक किया मिलिट्री एक्सरसाइज, मतलब नहीं मिलिट्री का अटैक किया। तो आपको इसके प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है जिन्होंने ये करवाया, उनका नाम है हसन रोहानी। ये न्यूज़ में है बना हुआ, इसलिए आपको इसका ध्यान देना है। अगला बात करें, वेयर वॉज द 8th एडिशन ऑफ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया चाइना नेम्ड हैंड इन हैंड। तो हैंड इन हैंड फिर से मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की गई है, तो हैंड इन हैंड 2019 कहाँ हुआ, ये चाइना के साथ ही आपको ध्यान में देना है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। तो ये कहाँ पे हुआ, ये आपको मेघालय में हुआ था। हु वाज अपॉइंटेड 10th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के 10th प्रेसिडेंट जो 2 दिसंबर 2019 में है, उनका नाम क्या है? तो जी हाँ, इसका नाम है मासातुसुगु असाकावा। ये आपको याद रखना है, ये होगा इसका आंसर। व्हाट वाज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो इंडिया का इस बार फिस्कल ईयर 2020 का जो एक्सपेक्ट किया सीरिसिल के वजह से, CRISIL, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिडिक्ट करती है GDP, तो इसने क्या किया था? तो इसने किया था 5.1 पे। उसी तरह अगर आप RBI की बात करें, RBI ने भी हमारे फिस्कल ईयर 2020 का जो प्रेडिक्ट किया था वो था 5%। वही था, और एक ऑर्गेनाइजेशन मूडी बोलते हैं, मूडी ने किया था इसका 5.6 एक्सपेक्ट। ये GDP आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन के याद रखना है। विच स्टेट हैज साइन, देखिए किस स्टेट के लिए 206 मिलियन लोन पास किया है ADB ने, जिसमें आपका वाटर सप्लाई सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है, ये तमिलनाडु के लिए किया गया है। हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस। मॉरिशियस के प्रेसिडेंट का क्या नाम है जो 2 दिसंबर 2019 को हुआ? तो उनका नाम था पृथ्वीराज सिंह रूपून। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉन हिज रिकॉर्ड इन 6 मेंस बैलून डिओर अवार्ड फॉर ईयर 2019। ये अवार्ड किनको मिला, मेंस बैलून डियोर? तो ऑप्शन में दिए रहेंगे, तो इनको मिला है लायनेल मेस्सी जी को। वेयर वाज द
21st एशियन आर्चरी, एशियन आर्चरी जो 21वें सत्र का था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपको बैंकॉक थाईलैंड में आर्चरी। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम? फर्स्ट देखिए मैरीटाइम हेरिटेज जो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो भी चीज़ होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्जाम के लिए, स्टैटिक जीके के लिए भी है और करंट अफेयर के लिए भी। तो ये आपका जो होगा ऑप्शन लोथल गुजरात में इसका फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम जो बनाया गया है। विच कंट्री टॉप्ड इन यूएन कैट जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, बिजनेस टू बिजनेस इसका ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 जिसको बोला जाता है, तो इसमें क्या है? तो इसमें नीदरलैंड ने टॉप किया है, ये आपको ध्यान में देना है। हु वाज अपॉइंटेड है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ जिसको बोलते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट एक कंपनी है और ये 4 दिसंबर 2019 को हुआ था अल्फाबेट, तो इसके सीईओ का नाम पूछा गया। देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें एक नाम है सुंदर पिचाई, जी हाँ यही है अल्फाबेट के सीईओ, ये एक सुंदर पिचाई गूगल के भी सीईओ हैं, ये आपको याद रखना है कि दोनों अल्फा के सीईओ हैं, अल्फाबेट गूगल की कंपनी है। अगले क्वेश्चन, वेयर वाज द इंडिजीनियस डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो पृथ्वी 2 है, कहाँ से टेस्ट फायर की गई है? तो ये की गई है आपको उड़ीसा, थी उड़ीसा में लेकिन दो जगह के नाम दिए हैं तो ये कन्फ्यूज करने के लिए, ये की गई है ऑप्शन सी चांदीपुर से। विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? देखिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है यूनिसेफ, तो अगर ये आप ध्यान दें तो वुमेन चाइल्ड से रिलेटेड जो भी होगा ये यूनिसेफ करती है, तो इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ जिसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया जो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कारगर करती है, और इसने प्रमोट किया सेकेंडरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू बिल्ड स्किल यंग पीपल, ये ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किए, तो इसका आंसर आप यूनाइटेड नेशन होगा। नेम द मेड इन इंडिया फास्ट इंटरसेप्टर वेसल दैट वॉज गिफ्टेड बाई इंडिया टू मालदीव। देखिए फास्ट इंटरसेप्टर वेसल जो इंडिया ने मालदीव को दिया 4 दिसंबर 2019 को टू इन्हेंस मेरीटाइम सिक्योरिटी, उनकी मेरीटाइम सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए वो उसका नाम क्या था? तो वो तक था कामयाब, कामयाब ये नाम याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट गंगा सेंट्रलाइज एक्वालैब? गंगा सेंट्रलाइज एक्वालैब, देखिए गंगा का ऑरिजिन आप जानते हैं देहरादून उत्तराखंड है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा देहरादून उत्तराखंड में ये हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द रेपो रेट अनाउंस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? देखिए जो 2019-20 में रेपो रेट किया गया उसका यहाँ पे आकलन किया गया है, तो ये क्या किया गया तो उसकी मैं बात करूँ तो रेपो रेट देखिए 5.15 जो कि सही आंसर, अगर रिवर्स रेपो रेट भी आपको याद रखना है जो कि 4.90 मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF रिवर्स रेशियो जो कैश, ये इंपॉर्टेंट है कैश रिजर्व रेशियो 4% है जो, तो ये रिवर्स रेपो रेट और CRR जो बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ये आपको याद रखना है। अगर देखिए हु विल हेड 14 मेंबर पैनल, देखिए 14 मेंबर का जो पैनल बनाया गया है जो आपको पोर्नोग्राफी कंटेंट जो इंटरनेट पे है उसको रोकने के लिए इसको हेड किया गया है, तो ये आपका होगा जो, तो इसकी जो है वो है जयराम रमेश जी को ये बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो इंदिरा, देखिए इंदिरा एक एक्सरसाइज है जो हुआ 19 में, ये इंदिरा जो है रसिया के साथ खेला जाता है, तो ये ऑप्शन इंडिया और रसिया के साथ होगा, जी हाँ। और भी क्या क्या युद्ध अभ्यास जो था अभी आपने पता, युद्ध अभ्यास जो था USA के साथ, सूर्य किरण जिसको ये था आपका नेपाल के साथ, तो ये आपको याद रखने है क्योंकि एक्सरसाइज से आपको 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोई की 2020 में जो एग्जाम होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखें, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ निमीबिया? देखिए निमीबिया का भी जो नया प्रेसिडेंट बनाए गए तो उनका जो सेकंड टर्म्स बने हैं जो 1 दिसंबर 2019 से
नामीबिया के प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? उनका नाम है हेज गोटिफ्रेड जेनकॉब। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड एनयूटी एच एम बेस्ट 14 ML/L, जो कि मेगा लीटर्स पर डे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कि मेगा लीटर पर डे, 14 ML/L पर डे का, कहाँ पर बनाया गया है इंडिया का, जो कि हाइब्रिड है। और ये जो है आपका, तो ये किया गया है आपका हरिद्वार उत्तराखंड में। हु हैड 15th फाइनेंस कमीशन दैट हैज सबमिटेड रिपोर्ट। कि 15th फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट रामनाथ कोविंद, जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनको दिया गया 2021 का, किस किस किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया नंद किशोर जी सिंह जी के द्वारा, जो 15th फाइनेंस कमीशन के हेड है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो कि 6 दिसंबर 2019 में हुआ था। तो वो किसको किया गया? तो उनका नाम था, नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। जी हाँ, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी को NSE का चेयरमैन बनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज क्राउन्ड विथ मिस यूनिवर्स 2019। ये क्वेश्चन देखिए, 100% आना ही था। तो जिसका जो होगा मिस यूनिवर्स, तो उनका था जो जुबिन तुंजी। जी हाँ, तो जुबिन तुंजी। अगले क्वेश्चन की बात करें, टोनी एन एस सिंह, ये क्या है? तो इनको भी 2019 में मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। और ये इंडियन ओरिजिन के हैं, जमैका के हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज इलेक्टेड एज द 46th प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड, जो कि यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एट एज 34 है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सना मिरेला मैरिन। जी हाँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया फर्स्ट पशु किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि एनिमल हस्बेंड्री क्रेडिट कार्ड है, और 101 एनिमल फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए किया गया है। तो ये आपको फर्स्ट किसान क्रेडिट कहाँ पे हुआ था? तो अगर आप ऑप्शन भी देखें, तो ये हुआ था हरियाणा में।